वेलकम बैक। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राजकोट से निहल है हमारे साथ फोन लाइन पर। निहल हाय, क्या सवाल है आपका? जी मैंने गोल्ड खरीदा है 27,436 में। ओके, तो अब इसमें मुझे क्या करना चाहिए? निहल मुझे ये बताइए आप कितना रुक सकती हैं? 6 महीना 1 साल। ओ ग्रेट, आपका टाइम फ्रेम बहुत लंबा है। रूपा बताइए, 6 महीने से 1 साल के लिए 27,436 के पास इनकी खरीद है, साल भर के लिहाज से आप क्या लेवल जाते हुए सोने में देख रही हैं? देखिए अगर इनका आउटलुक 1 साल का है तो नो डाउट हम प्राइसेस में अपसाइड देखेंगे, और प्राइसेस मुझे लगता है कि अपसाइड में 28,000 29,000 के अराउंड जो है सस्टेन कर सकते हैं। okay. लेकिन स्टिल मैं इनको एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर अभी थोड़ा सा भी मार्केट में बाउंस मिले तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर इतना लॉन्ग टर्म फ्रेम लेकर चल रहे हैं तो डाउन साइड एक्सपेक्ट है कि 26,000 के लेवल हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर एक बार बाइंग इनिशिएट कीजिए। अभी 27,400 के अराउंड मुझे नहीं लगता कि ये बाइंग का सौदा इनका सही है। जो भी बाउंस मिले, अगर रेट टू रेट भी मिले तो एक बार एग्जिट करना चाहिए, और डाउन साइड में 26,000 के अराउंड बाइंग लेकर चलना चाहिए फॉर वन ईयर टारगेट। निहल देखिए, रूपा बेसिकली जो यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं, आपको इन लेवल्स पर भी साल भर के बाद मुनाफा होगा, लेकिन अगर आप रेट टू रेट निकल जाती हैं बिना ज्यादा वेट किए हुए तो आप 26,000 या 25,500 के लेवल पर एंट्री करेंगे और तब आपको 29,000 के टारगेट्स मिलेंगे साल के अंत में, तो वहां पर आपका जो रेशियो होगा प्रॉफिट का ज्यादा बेहतर बैठेगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, आप अभी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए जितना जल्दी हो सके और फिर लोअर लेवल्स पर एंट्री कीजिए सोने में। और चलिए ऑरेंज सिटी नागपुर का रुख करते हैं। हरीश हमारे साथ है फोन लाइन पर। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? ये सोया ऑयल का आगे का रुझान कैसे रहेगा मैडम? आपने पैसा लगाया हुआ है? नहीं, मेरे को खरीदना है मैडम। अच्छा, खरीदना है। 10 रुपए यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन खरीदना चाहिए। ऑलराइट, हमने इसमें रिकॉर्ड सर भी बनते हुए देखे हैं हरीश जी, लेकिन जान लेते हैं बुरेन से। बुरेन, सोया तेल में आपका कैसा रुख है? हमने एक अच्छे खासे रिकॉर्ड लेवल से अब इसे काफी नीचे कारोबार करते हुए देखा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ एंट्री करे तो फिर अच्छा मुनाफा मिले? यहाँ हमने 760 से ये गिर के अभी 690 तक गया था, और अभी पुल बैक रैली जिसको हम बोलेंगे करेक्टिव रैली है, लेकिन मैं बाइंग रेकमेंड नहीं करूँगा। मुझे आगे स्पेशली मार्च अप्रैल में कॉर्पोरेट हेजेस का काफ़ी फ्लो आएगा, बहुत इंपोर्ट हो चुकी है, तो इसके बदले बेटर है कि 720 के आसपास वो शॉर्ट साइड जाए 730 के स्टॉप लॉस से, और 690-695 वो उनका टारगेट होना चाहिए। चलिए, खरीद के बजाय अगर आप बिकवाली की पोजीशन अपनाएं तो बेहतरीन मुनाफा होगा, दबाव में कमोडिटी रहेगी, कोई भी बाउंस इसमें अपसाइड की तरफ दिखे वो आपके लिए सेल की अपॉर्चुनिटी होगी, 730 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। आइए अब आगे का रुख करते हैं। फिरोजाबाद से हमारे अगले दर्शक गौरव जी हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। गौरव जी, किस कमोडिटी में पैसा लगाया है आपने? गौरव जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है गौरव को हमारी आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनका सवाल हम तक पहुंच चुका है। रूपा, गौरव जानना चाह रहे थे कि चांदी में क्या करना चाहिए, मौजूदा भाव पर एंट्री बनती है? देखिए मौजूदा भाव पर तो नहीं, अगर यहाँ से थोड़ा सा 400 से 500 का अपसाइड मिले तो वहाँ पर सेल करके चलना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्राइसेस अभी डाउन साइड में हम 54,600 तक देख सकते हैं। अगर वो भी ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हम 54 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हमें दिखा सकती है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। रूपा, आपने ये जो हॉट पिक दी है 54,600 और 54,000, ये कितने दिनों के लिहाज से आप ट्रेड करने की रिकमेंडेशन दे रही हैं? देखिए जो आज की हॉट पिक है वो आज इंट्राडे के लिए है, 55,600 के अराउंड अगर प्राइसेस थोड़ा सा भी यहाँ से इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में बाउंस मिले तो वहाँ पर सेल करके चले, इंट्राडे के लिए रहेगा ये। और ओवरऑल अगर हम वीकली अगर हम बात करें तो भी मुझे लगता है कि चांदी में प्रेशर ही देखने को मिलेगा। ओके, जलगांव से आनंद ने हमें कॉल किया है अपना सवाल पूछने के लिए। आनंद, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे गवार सीड सेल है 12,600 में, अगर लॉन्गर टर्म जा सकती है क्या 10,500? ब्रेन क्या कहेंगे, बड़ी कंट्रोवर्शियल कमोडिटी है, काफी कुछ होता हुआ हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं। 12,600 पर इनकी सेल पोजीशन है, गिरावट आ चुकी है, फिलहाल ये प्रॉफिट में है, तो क्या अभी इन्हें प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए?
मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये काफ़ी बबल की कंडीशन में हो चुका है और ये मैं इसको कॉर्नरिंग या स्क्वीज थोड़ा मान रहा हूँ। जब भी ये स्क्वीज खत्म होगी तो शायद ये 10,000 या तो नहीं 8,000 और 6,000 भी शायद जा सकती है। आइडियली मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस 13,000 का रखना चाहिए, बजाय सब फाइट नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम एग्रेसिव है तो ही कैन वेट टिल 8500। ओके, चलिए सर, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इतना अग्रेशन है कि आप रुक सकें और 8,500 के लेवल्स का वेट कर सकें तो बेझिझक 13,000 के स्टॉप लॉस के साथ वेट कीजिए। अदरवाइज बेन का यही मानना है, रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेहतर होगा जो मुनाफा मिल रहा है उसको ही लेकर संतुष्ट हों। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।